ये लड़का मकई के दानों से भरे एक स्टोरेज टैंक में गिर गया है। वो बाहर निकलने की कोशिश में लगातार अंदर की ओर धंसता जा रहा है। अब उसका साथी 911 को कॉल लगाता है और फायर फाइटर्स घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वो सीढ़ी की मदद से टैंक के टॉप पर पहुंचते हैं और लड़के से कोई भी हलचल करने से मना करते हैं। अब वो धीरे से टैंक में उतरना शुरू करते हैं। वो एक खास तरह के प्लास्टिक पटरों पर उतरते हैं ताकि उनका भार एक बड़े हिस्से में बढ़ जाए और भीतर धंसने की संभावना न रहे। अब लड़के को एक लाइफ रिंग पहनाई जाती है और उसके चारों ओर एक घेरा बनाकर उसके अंदर से मकई के दानों को निकालना शुरू करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था तभी एक फायर फाइटर की सुरक्षा डोर नीचे गिर जाती है। अब वो भी मकई के दानों में डूबने लगी है। अब उसका एक साथी उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे थोड़ा दूर था। अब वो अपने सीनियर की चेतावनी के बावजूद अपनी सुरक्षा डोर निकाल देता है और लड़की को बचाने जाता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो खुद भी टैंक में समा जाता है। अब ऑफिसर बाहर मौजूद टीम को स्थिति की सूचना देते हैं और साथ ही उन्हें जरूरी कार्यवाही करने का निर्देश भी देते हैं। टीम तेजी से एक्शन में आती है और वो जल्दी से कटर की मदद से टैंक को काटकर रास्ता बना देते हैं। अब मकई के दानों के साथ लड़का और वो दोनों फायर फाइटर्स भी बाहर आ जाते हैं और इस तरह ये मिशन कंप्लीट होता है।